हेलो फ्रेंड्स, मेरी अमीर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैंगो ड्रिंक माजा बनाना शेयर कर रही हूँ। बहुत ही इजी स्टेप के साथ इसे बनाएंगे आप। 10 मिनट में इसे आराम से तैयार कर सकते हैं और ठंडा करके इसे इंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे बनाने के तरीका को देखिए और मेरे चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। माजा बनाने के लिए हमने 500 ग्राम के मात्रा में आम लिया है। ये ग्रीन ऊपर से देखने में लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल पका हुआ आम है और ये दशहरी आम है। तो इसी तरह का आम होता है, लेकिन बहुत ही टेस्टी आम होता है, मीठा आम होता है। तो हम 3 आम तो बिल्कुल पका हुआ लिए हैं और 2 आम हल्का सा कच्चा लिए हैं, ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा खट्टा आए और माजा का टेस्ट भी हल्का सा खट्टा होता है। तो इस तरह से हम दोनों को एक साथ पीस के तैयार करेंगे। 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही चिकना पीस के तैयार करेंगे इस तरह का। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बहुत आसान तरीके से इसे बनाएंगे डियर फ्रेंड, और बहुत ही बढ़िया सा माजा तैयार होगा। अब इसे हम कढ़ाई में ऐड करते हैं। गैस के फ्लेम को लो रखते हैं, लो फ्लेम पे ही इसे काफ़ी टाइम लगाते हुए धीरे धीरे चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। ये जिस तरह से पकना चालू होगा, इसका कलर और भी बढ़िया आएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल तैयार होने लग जाएगा। बहुत ही यमी और टेस्टी तैयार होगा। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए आराम से चलाएंगे। 5 मिनट का टाइम में ये इस तरह से उबलने लग जाएगा। तो फ्लेम को बराबर लो ही रखना है और बराबर चलाते हुए इसे पकाना है। 10 मिनट में हमारा माजा तैयार हो जाएगा। हम 1.5 कप इसमें शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर हम इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि हमारा आम बिल्कुल मीठा है। 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें वाइट विनेगर यूज करेंगे, ताकि हमारा माजा ख़राब ना हो, बहुत लंबे टाइम तक इसे हम फ्रिज में स्टोर कर सकें। तो इस तरह से हम इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से पकाते हैं। 5 मिनट का टाइम हम इसमें और देंगे। 5 मिनट हम पहले दे चुके हैं। अब इस तरह से लो फ्लेम पे ही इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अब 1 कप पानी हम वापस डाल रहे हैं। कुल मिला के हम इसमें 3 कप पानी डाल चुके हैं। आप अपने हिसाब से भी पानी यूज कर सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा या पतला रखना हो। तो माजा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है। तो देखिए, इस तरह का भी तैयार हुआ है, इतना गाढ़ा है। अभी इसमें हम लगातार चलाते हुए ही पकाएंगे। इस तरह का भी गाढ़ा है ये। एक कप पानी हम और इसमें यूज करेंगे। अभी ये बहुत गाढ़ा था, तो 1 कप पानी हम इसमें यूज करेंगे और 1 उबाल और आने देंगे। जब हमारा पानी जो हम डाले हैं वो अच्छी तरह से उबल जाए, शक्कर उबल जाए और बिल्कुल अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। अब 1 कप वापस पानी डाल रहे हैं हम। इसमें कुल मिला के 4 कप पानी यूज कर चुके हैं। अब ये हमारा माजा तैयार हो गया। उसके बाद इसे हमें छान लेना है एक छाननी के मदद से, ताकि कोई रेशा या कोई गांठ हो तो वो हम ऊपर ही रह जाए, हमारा माजा एकदम फ्रेश तैयार हो। तो देखिए, हम इसमें इस तरह से छाननी के अंदर डाल के और छान लेते हैं, और बहुत ही टेस्टी, यमी और कम पैसे में तैयार हो जाएगा हमारा माजा ड्रिंक, जो बच्चे बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे इसे पीकर। और मेहमानों के लिए तो ये परफेक्ट ड्रिंक होगा, और घर का बना हुआ ड्रिंक का तो बात ही कुछ और है। ये देखिए, इस तरह से हम सारे माजे को छान के एक बाउल में भर लिए हैं फ्रिज में स्टोर करने के लिए। बहुत ही टेस्टी और यमी माजा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरी तरह से। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।